हेलो गाइस, सो वेलकम आवर न्यू ब्लॉग्स। सो आज का ब्लॉग होने वाला है सीएनजी सिलेंडर हाइड्रो टेस्टिंग के ऊपर। तो रिसेंटली मैंने अपनी गाड़ी का हाइड्रो टेस्टिंग कराया है सिलेंडर का। उसमें मुझे कितना खर्चा आया है, क्या आया है, वो सब इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। एंड कितने टाइम में इसका सिलेंडर का टेस्टिंग होता है। तो मेरे सिलेंडर को जो वैलिडिटी था वो 3 साल का था जब मैंने नया इंस्टॉल कराया था। एंड ये एवरी 3 ईयर्स में टेस्टिंग कराना पड़ता है, और जो कंपनी फिटेड रहती है उनको आई थिंक 5 ईयर्स रहता है। सो अभी इसको मैंने, मेरे पास में ही एक फिटिंग सेंटर है उसको दिया है। तो उसने मुझे दो ऑप्शन दिए थे, या तो मैं डायरेक्टली हाइड्रो टेस्टिंग सेंटर पे जा सकता हूँ जो कि मेरे यहाँ से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर था, एंड या फिर इनके पास से करा सकता हूँ। तो ये लोग जो मुझे डिफरेंस था 200-300 रुपये का डिफरेंस था, हाइड्रो टेस्टिंग सेंटर पर जाता हूँ तो 200-300 रुपये कम लगता, बट इनके पास से उतना पैसा देके। क्या है कि मुझे अगर बाद में कुछ लीकेज वगैरह का इशू रहेगा तो हाइड्रो टेस्टिंग पे ही मुझे बार बार जाना पड़ेगा, या फिर और किसी से कराना है तो उनको पैसा देना पड़ेगा। सो अभी इनके पास से मैंने करके लिया है, तो कुछ भी अगर टेस्टिंग कराना रहेगा इन फ्यूचर, या कुछ भी रहेगा लीकेज वगैरह का इशू, इनके पास से चेक करा सकते हैं। तो उसी वजह से मैंने इनको दिया है। एंड इन्होंने जो टाइम दिया था, अगर मुझे ज़्यादा जल्दी है तो हाइड्रो टेस्टिंग में 3-4 घंटे में सिलेंडर मिल जाता है। एंड इनके पास से भी ये लोग अगर सुबह देते हैं तो इवनिंग तक सिलेंडर मिल जाता है। तो अभी मैं सिलेंडर इनको दे रहा हूँ, एंड उसका मैंने जो सीरियल नंबर वगैरह है वो सब लेके रख लिया है, ताकि जब ये रिटर्न आए तो मैं वेरीफाई कर सकूँ कि मुझे सेम सिलेंडर मिला है या फिर कुछ चेंज तो नहीं हुआ। अगर कुछ चेंजेस होता है तो वो फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बिकॉज जो रजिस्टर्ड है वो सिलेंडर डिफरेंट रहता है। और यहाँ पे बस एक बार रजिस्टर हो जाता है तो उसका कुछ लेना देना नहीं रहता है, लेकिन अगर वो सिलेंडर चेंज हुआ या उसका वैलिडिटी वो कितना पुराना है वो अपने को पता नहीं है। जो प्रेफर करिए कि सब डिटेल लेके रखें। तो मैंने इनको ये सिलेंडर खोल लिया है। खोलने के बाद ये लोग डायरेक्टली यहाँ से भेजेंगे, एंड सेम डे इनका गाड़ी वहाँ से हाइड्रो टेस्टिंग सेंटर से आता रहता है। सो एक एक सिलेंडर भी ये लोग लेके जाते रहते हैं। तो काफी लोगों ने मुझे प्राइजिंग दिया था, कोई 2000 बोल रहा था, कुछ अराउंड इतना बोल रहे थे, बट यहाँ से मुझे 1600 में हाइड्रो टेस्टिंग करके विद 2 प्लेट जो दिया है इन्होंने, मेरी गाड़ी में 2 जगह प्लेट है। सो फाइनली नेक्स्ट डे मैं आया हूँ, मेरा सिलेंडर आ गया। उनका कॉल रात को ही आया था कि आपका सिलेंडर आ गया है, चाहे तो आप लगवा लो, बट मैं रात को नहीं आया। सो नेक्स्ट डे आया हूँ, तो मैंने सिलेंडर वगैरह सब मैच कर लिया है, सेम सिलेंडर है जो मैंने दिया था, उसका सीरियल नंबर वगैरह सेम है। सो फाइनली इन्होंने ये सब इंस्टॉल कर दिया है, एंड जो मुझे खर्चा इसमें आया है वो 1600 का मुझे टोटल खर्चा पड़ा है, काफी कम में हो गया है, 3 साल का वैलिडिटी है। सो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज लाइक एंड कमेंट करके बताइए, कुछ क्वेरी रहेगा तो मैसेज करिए।